दोस्तों, जो हमारे बाल ड्राई, फिजी और डैमेज हो जाते हैं, जो देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं, उस टाइम हम सोचते हैं कि कोई हमें ऐसा सॉल्यूशन बता दे जो हमारे बालों की खोई हुई शाइन को वापस ला सके। उसके लिए हम पार्लर में जाकर काफ़ी महंगे ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं, काफ़ी महंगे शैम्पू और कंडीशनर भी यूज़ करते हैं, बट कुछ टाइम बाद वही प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है। सो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक नेचुरल हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपको लॉन्ग लास्टिंग एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपको लेना है एलोवेरा। ये देखो, मैंने घर पर ही प्लांट लगा रखा है एलोवेरा का। आपको लेना है इसमें से एलोवेरा लीव। और जब भी आप एलोवेरा लीव लेते हैं, सो उसमें जो स्टार्टिंग में एक येल्लो कलर का जेल निकलता है, जैसे आप उसको कट करते हैं, उसको आपको निकाल देना है। एक्चुअली वो एक टॉक्सिक होता है और आपको वो एलर्जी भी कर सकता है। सो उसको निकाल देना है, और साथ ही इसमें जो एजेस हैं जिसमें कांटे रहते हैं साइड में, उनको भी आपको रिमूव कर देना है। अब आपको क्या करना है, एलोवेरा को छोटे छोटे पीसेस में, विदाउट, मतलब आपको छिलका नहीं उतारना है, विदाउट छिलका ऐसे ही आपको छोटे छोटे पीसेस में एलोवेरा को कट कर लेना है। दोस्तों, एलोवेरा एक पावर हाउस होता है जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और ऐसे प्लांट बेस्ड कंपाउंड मिलते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन सी, ई और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें कॉपर होता है, सिलीनियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ये सारे इसमें जो विटामिन्स हैं, ये सारे भर भर के होते हैं। सो हमारे हेयर के लिए एलोवेरा बहुत ही अच्छा होता है। सो इस तरह से देखो, मैंने कट कर लिया है। अगर आपको एलोवेरा कुछ इस टाइप का मिल जाए जिस पे वाइट कलर के स्पॉट हैं, तो ये वाला एलोवेरा बहुत ही अच्छा होता है, इवन बालों के लिए भी और साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए भी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड करना है दोस्तों, आपको वो ऐड करनी है प्याज। अगर आपको लाल छिलके वाली प्याज मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। दोस्तों, प्याज के रस से जो एलोपीसिया होता है, यानी कि बालों के झड़ने की जो बीमारी होती है, उसका भी इलाज किया जाता है। यह बालों की जो स्केल्प होती है हमारी, उसको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन देता है। साथ ही जो अनियन होती है, उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके स्केल्प में कोई भी अगर आपको बैक्टीरिया से कुछ प्रॉब्लम हुई है, सो उसको वो बहुत ही अच्छे से क्योर कर देता है। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर होता है दोस्तों, जो आपकी जो स्केल्प होती है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो इस तरह से मैंने एलोवेरा और प्याज दोनों को कट कर लिया है। अब आपको दोनों को मिक्सी जार में पीस कर एक फाइन पेस्ट बना लेना है। अब आपको ये पेस्ट ऐसे ही अपने बालों में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एलोवेरा के छोटे छोटे क्यूटिकल्स होते हैं जो बालों में फंस जाते हैं, वो वॉश करने के बाद भी नहीं निकलते। सो मेक श्योर कि आप इसको किसी भी, या तो चलनी की हेल्प से छान लें, या फिर अगर आप कोई कॉटन का कपड़ा लेना चाहते हैं तो उससे भी आप इसको छान सकते हैं। अच्छे से छानने के बाद इसका जो जेल है, रस है, वो पूरा एक्सट्रैक्ट कर लें, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना नेचुरल सा एकदम ग्रीन कलर का मास्क यहाँ पे निकला है। अब देखो, इसको अपने बालों में किस तरह से लगाना है। आपको पहले सेक्शनिंग करनी है अपने स्केल्प पे, और उसके बाद अपने स्केल्प पे वन बाय वन आपको ये अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है और अच्छे से पूरे स्केल्प पे इसको अप्लाई करना है। आप चाहें तो यहाँ पर कॉटन का यूज़ भी कर सकते हैं स्केल्प पे अप्लाई करने के लिए। आपको अपने बालों के लेंथ पे इसको अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको अपने स्केल्प पे अप्लाई करना है, जिससे अगर आपके बालों में डेंड्रफ होगी वो चली जाएगी, आपके बाल में रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा बालों में, और साथ ही आपका हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसके बाद देखो दोस्तों, आपको नीचे अपना हेड करके कुछ इस तरह से मसाज करनी है। इससे जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छे से होता है, और नेचुरली हमारी हेयर ग्रोथ होती है। उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने अपने हेयर को बन में कन्वर्ट कर लिया है। अब 30 मिनट्स बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने हेयर वॉश कर देना है। होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन, बाय बाय।